हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था, अब आप लोगों से एक निवेदन है किया था कि जब आप बोलते हैं तो यह अलाउड नहीं है बीच में इंटरप्ट करने के लिए, कृपया सुने माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट, सहयोग करिए। इस उम्मीद में किया था कि हम स्थानीय निकायों को स्वशासी बनाएंगे और लोगों को सुशासन देने में सफल होंगे, लेकिन आज करीब 3 दशक बाद भी हम इन स्थानीय निकायों को देखें तो हम और गर्त में चले गए। ये सदन जहां पर हम बैठे हुए हैं, मैंडेटरी है कि 6 महीने के अंतराल के भीतर सदन आहूत किया जाएगा और सदन आहूत किया जाता है। आज स्थानीय निकायों की क्या स्थिति है माननीय सभापति महोदय? 2 महीने में बैठक होनी चाहिए बोर्ड की, क्या हालात बना रखे हैं, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है, किसको परवाह है? 2-2 साल माननीय सभापति महोदय निर्वाचित बोर्ड की बैठकें नहीं होती, और मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये जब जब भी सत्ता में आते हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाते हैं, अपनी ओर से बहुत श्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जो नियम बाधा बने हुए होते हैं उन नियमों को हल्का करते हैं, लेकिन यह अभियान इतना लंबा चल जाता है। आप बना देते हैं एम्पावर्ड कमेटी, चेयरमैन ईओ जेएन फेएन, उन पार्षदों का क्या? जनता जिनको चुनकर के भेजती है, 2 साल तक जब तक ये आपकी एम्पावर्ड कमेटी काम कर रही है उनको पता तक नहीं चलता कि किस मामले में इस एम्पावर्ड कमेटी ने क्या काम किया है, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभियान वभियान चलाएं आप तो एक निर्धारित अवधि के लिए चलाएं। जनता ने जिन लोगों को चुनकर नगर पालिका या दूसरे बोर्ड में भेजा है उनके अधिकार इस तरीके से स्थायी रूप से तिरोहित कर दिए जाए, उनको एक निराशा के अवसाद में धकेल दिया जाए, ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। ये पार्षद एक लाचार स्थिति में नीचे खड़े हुए हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल एक्ट के धारा 49332 सपटी 337 में जो 18 मई 2017 को अमेंडमेंट किया था तत्कालीन सरकार ने, जिसमें चेयरमैन मेयर या सभापति को ये सारे अधिकार दिए थे कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका होगा, क्या नीचे स्थिति? कोई सभापति को पूछ रहा है, कोई मेयर को पूछ रहा है? वो ही उसी ढर्रे के ऊपर स्थानीय निकायों का तंत्र चल रहा है और वही अधिकारी आज भी उसी रूप में उन नगर पालिकाओं को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ये जो सिवरेज के प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं चल रहे हैं, पहले भी हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि सिवरेज में आपका क्या नॉलेज है और सिवरेज का आपको क्या एक्सपीरियंस है? दूसरे बैंक, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारी समस्याओं को समझ करके लिए उसके लिए पैसा देने को तैयार होता है, लेकिन हमने क्या तंत्र विकसित किया है सिवरेज की समस्या को हल करने के लिए? पैसा मिल रहा है, हम पैसा लेकर के आ जाते हैं, पैसा नीचे खर्च करने लग जाते हैं, नीचे कौन है काम देखने वाला है? कैसा काम हो रहा है? बड़ी कंपनी को आप ठेका दे देते हैं और वो कंपनी नीचे नाकारा किस्म के लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और किस तरीके का काम कर रहे हैं आप जाकर के देखेंगे। माननीय सभापति महोदय, सीसी रोड बना हुआ है,
और थोड़ा सा करके देखेंगे तो नीचे एक फुट का खड्डा मिलेगा आपको। और मंत्री जी भी लाचार है, मैं अनेक बार इनको बता चुका हूं, लिखित में दे चुका हूं, ये रूढ़ सिको या ये RYDP आप क्यों बनाते हैं जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को इन संस्थाओं के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तो इस तरह की कंपनी बना करके राजस्थान के जनजीवन को तबाह करने का काम क्यों करते हैं आप? सिर्फ इसलिए कि वो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट पैसा दे रहा है। कितने लोगों को आपने त्रास में धकेल दिया है इस सीवरेज कंपनी के काम से, कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। और माउंट आबू का देखिए आप, वहां तो काम पूरा हो गया, अभी बरसात आई थी, सारा मलबा बाहर आ गया, मल बाहर आ गया, सारी बदबू फैलने लग गई, कौन देखने वाला है? जब आपके पास सिस्टम नहीं है तो सिर्फ विदेशी बैंकों का पैसा लेने के लिए आप ये क्यों करते हैं? और सभापति महोदय, सदन को जान करके ताज्जुब होगा कि मैंने, मेरे सिरोही में सीवरेज प्रोजेक्ट चल रहा है, लंबे लंबे एक एक जगह की शिकायत, चार चार पेज की चिट्ठियां, तीन तीन पेज की चिट्ठियां कई दे चुका हूं, कुछ नहीं। मैं मंत्री जी को दोष नहीं देता कि तो मंगा ही सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा इस सदन में, ये रूढ़ सीखो फूड सीखो या RYDF खत्म करिए इनको, और सीधे आपके नियंत्रण में काम रखिए जिससे कम से कम उनको चेक किया जा सके और ठीक काम कराया जा सके। आपने L&T कंपनी को ठेका दे दिया और नीचे आपको खुद को पता है। तो जनता जब आपको वोट देकर के सत्ता में लाती है तो लाचारी के लिए नहीं लाती है, अपने लोगों को खड्डा में उस खड्डे में गिराने के लिए नहीं लाती है, अपने परिवारों के बुजुर्गों आपके काम से मर जाए उसके लिए नहीं लाती है। और माननीय सभापति महोदय, घायल हो जाए मर जाए, अब रोड में मर गया एक जना, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक काम किया है, इस सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां है, ये इस तरीके की चीजों पर स्टैंड नहीं लेकर के आप उस अच्छे काम पर पानी फेरने का काम मत कीजिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा किसको सुधारिए। अब माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाऊंगा मंत्री जी, यही वसुंधरा राजे थी, आपको जेल में डालना चाहती थी, एकल पट्टे में जबरदस्ती फंसाना चाह रही थी आपको, और ये प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, हम ही लोग थे जो नारे लगा रहे थे, हाड़ोती का एक ही लाल, शांति धारीवाल, शांति धारीवाल। और माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की उस वसुंधरा की सरकार ने पूरे राजस्थान में जमीनों की लूट की, आपने बहुत आरोप लगाए 2013 से 18 के बीच में, बोल रहे हो किसी का आरोप कर दिया है सरकार जांच हो गया, बैठिए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, बैठिए, ये बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए माननीय सभापति महोदय, तो सही हो गया, आप बोलिए माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आपका, बैठिए बैठिए, हो चुका, बैठिए, आपको पता ही नहीं, बैठिए माननीय सभापति महोदय, बैठिए माननीय सभापति महोदय, सिरोही में PWD का SC का कारण बनना था, कर दिया, कर दिया। सभापति महोदय, इनको प्रताड़ित भी करो आप, कर दिया, ये सनसनी फैलाना इनकी आदत बन गई, अगर इनके पास कोई प्रमाण हो तो चुपचाप क्यों बैठे हैं, कराओ ना जांच, मतलब आप इस तरह आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास तो सारे प्रमाण है और पूरा राजस्थान जानता है, सभापति महोदय प्रताड़ित करिए आप, बिना प्रमाण बोलने की मेरी आदत नहीं है मिस्टर राठौड़,
माननीय सदस्य, और आप इस तरीके से मुझे धमकाने की कोशिश मत करिए। बैठिए, अभी आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं बने। माननीय सदस्य, में बनने में आपके, आप इधर देखिए मेरी तरफ। और स्वायत्त शासन कर रहा हूँ, सुनिए प्लीज, आप स्वायत्त शासन, वन और पर्यावरण पर बोलिए। उसी पे बोल रहा हूँ, उसी पे बोल रहा हूँ। कंटिन्यू करिए, आप सुन तो लीजिए। सिरोही में पीडब्ल्यूडी का एससी का कार्यालय बनना था, जिस जमीन पर, वो जमीन एक टेलीफोन से वसुंधरा राजे ने सरेंडर करवाई कलेक्टर को। कलेक्टर ने नगर परिषद की दी, नगर परिषद ने बीजेपी के कार्यालय के लिए 50 करोड़ की बेशकीमती जमीन अलॉट कर दी। सभापति महोदय, हम लोग, हमारा पार्षद, हमारा प्रतिपक्ष का नेता हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आया। आज 5 साल हो गए मंत्री जी, आपका बीजेपी से क्या याराना है, क्या याराना है आपका? आज 5 साल हो गए, आपने उस जमीन को निरस्त क्यों नहीं किया? अभी तक नगर परिषद ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, सब कार्रवाई हो गई, क्यों कोर्ट में आपने जवाब पेश नहीं किया? हम लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में उस बीजेपी की सरकार के फैसले के खिलाफ, 50 करोड़ की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप तो गलबैया कर रहे हैं महोदय। और जो प्रकरण न्यायालय में लंबित हो उस पर सदन में लंबित नहीं है, मिस्टर राठौर लंबित नहीं है। नियम और प्रक्रियाओं के नियम आप देख लीजिए, सब आप से बात नहीं करे, मेरे माध्यम से बात करिए ना। ये इनको इनको क्या तकलीफ है? जो मामला, या फिर खुली छूट दी दिया मैं भी, या फिर खुली छूट दी दिया मैं भी, तकलीफ क्यों नहीं है? लंबी बात है, जो कोर्ट में लंबी है, तकलीफ है। जब माननीय सभापति मोदी पैसे देके जमीन लिए बीजेपी कार्यालय के लिए, पैसे पैसे जमा फ्री में थोड़ी दिए, सरकार ने फ्री में जमीन नहीं दी। अरे तुम्हारे भी बोली है इसलिए, मैं 10% दिए इसी में, 50 करोड़ की जमीन हड़पी है तुमने, 50 करोड़ की। माननीय सदस्य महोदय, इनसे की अलर्ट हुई क्या? महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय, अन्य सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था, सभापति महोदय, एक मिनट, मुख्यमंत्री आपको अलाउ नहीं किया, अलाउ किया ना, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए अलाउ नहीं किया आपको, आप जबरदस्ती खड़े हो रहे हैं। प्लीज कंप्लीट करिए, आप बोलिए, कंप्लीट करिए आपका। ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा टाइम नोट करिए आप, कैसे क्योंकि कैसे कर रहे हैं अन्य सभापति, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बैठिए प्लीज, ये कौन होते ऑर्डर करने वाले? बैठिए, ये तो कोई ऑर्डर कर देगा फिर, आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मेरी बात सुनिए, बैठिए आप, ये ऐसे माननीय सदस्य बैठिए, इनको बिठाइए, बैठिए आप पहले, बैठिए बैठिए बैठिए। जो असंसदीय लगा उसको विलोपित किया जा चुका है, माननीय सदस्य अपनी बात तो कहेगा, सुनिए तो सही उसको। अरे आप सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री थे, इधर देखिए, आप खुद उसमें शामिल थे और आपने खुद ने ये 50 करोड़ का घोटाला करवाया, आप खुद शामिल थे इसमें, आप प्रभारी मंत्री थे। कंटिन्यू करिए अपना, बस आप खुद शामिल थे, बढ़ाइए बोलिए, अब आप थे या नहीं थे, करवाई या नहीं करवाई? मुझे अनुमति, धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये सदन नियम और प्रक्रियाओं के नियम से चलता है, व्यवस्था का प्रश्न उठाए माननीय सदस्य, कौन सा व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ, कोई प्रश्न ही नहीं है, रिकॉर्डेड फैक्ट है, रिकॉर्डेड फैक्ट बोल रहा हूँ। आप खुद उस घोटाले, इस किताब आप तो नहीं है माननीय सभापति महोदय, इनको कंप्लीट करने दीजिए, मेरा व्यवस्था का प्रश्न, इनके भाषण के बारे में है क्या, फिर रिकॉर्ड के भाषण के बारे में फिर मैं क्या बोलूंगा? मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बोलने दे रहे, मंत्री के रूप में आप बैठिए, आप बैठिए, राजेंद्र राठौर शामिल है उसमें, और ये 50 करोड़ का घोटाला इनकी मिली भगत से हुआ है। बैठिए अपनी महोदय, क्या है बोलिए। सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने, अरे आप सुन अपने नेताजी को, अभी अपनी बात कहते हुए सदन में उन बातों को उद्धृत किया
जो इनके खुद के कथन के अनुसार न्यायालय में चल रहे हैं। मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 53 न्यायाधिकरण आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा इस प्रकार के कर्तव्य इसमें जो अनुसंधान या न्यायालय में लंबित है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। सभापति महोदय यही नहीं, ये जो नियम बने हुए हैं नियमों के नियम 20 साधारणतः ऐसे विषय के बारे में नहीं पूछा जाएगा या चर्चा नहीं होगी जो न्याय की अर्थ न्यायिक करते करने वाले किसी समित न्यायाधिकरण या प्राधिकार के समय अनुसंधान या जांच में होंगे। सभापति महोदय यही नहीं, ये नियमों के नियम 109 इसके अंदर भी ग्राहता की जो है उसमें किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में न्याय निर्णय के अंतर्गत हो। मतलब आपने उन विषयों को उद्धृत किया और उद्धृत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सहित मुझ पर आरोप लगाया। मैं निवेदन करूंगा या तो मुझे नोटिस दें और नोटिस देकर आए तो मैं उस पूरी बात का जवाब दूं या इसको एक्सपंज कर फरमाया। बैठिए प्लीज। आपके जो प्रश्न है उस पर हमने सुन लिया, जो इनका कथन है जांच कुछ ये बोल रहे हैं उसका पूरा वर्बिटम देख करके और आसन निर्णय दे देगा उस पर। थैंक यू, आप कंप्लीट करिए। पूरा मामला माननीय मंत्री जी के संज्ञान में और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो याराना आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किए हुए हो इस याराना से आप बाहर आओगे। वैसे तो आप लोग तो बहुत महान हो, हाईकोर्ट ने माननीय सभापति महोदय महबूब नेता है हमारे, महबूब का तुम्हें शब्द का अर्थ पता नहीं है, हमारा दोष है क्या? ये हमारा दोष है क्या? महबूब के औरत आदमी हो सकते हैं? याराना और प्रेम और भाईचारा ये संसदीय कैसे हुआ? तो मैं और आप पूरा करिए प्लीज अपना माननीय सभापति महोदय, और आप तो महान है। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। आप तो बीजेपी पर इस तरीके से मेहरबान है कि वसुंधरा राजे का मकान आपने वहां से निकाल करके यहाँ विधानसभा के उसमें डाल दिया, पर वो रहेगी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में। तो मेहरबानी माननीय सदस्य सुनिए, मेहरबानी मेरे बात सुनिए आप। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है स्वायत्त शासन वन और पर्यावरण। मैं वही तो कह रहा हूं, आप अधिक तो संविधान से चालू किया है सभापति महोदय, संविधान से पाइए ना आप। और आपके यशस्वी नेता याद करते सुनिए सही, आप जब मैं पैरों पर खड़ा हूं आपको बैठना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट है जिस पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। आप फोकस कर रहे हो इसको आरोपित करने पर, उस पर ये दिस इज प्लीज। किसी शहर की जमीन को खुर्द बुर्द करेंगे तो वो स्वायत्त शासन में नहीं आएगा तो किस में आएगा? उसके लिए क्या पीडब्ल्यूडी की डिमांड पर चर्चा करेंगे क्या? बैठिए सुनिए यार, बैठिए इनको। और मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सभापति जी, 4.5 साल हो गए। देखिए जैसे आप सदस्य हैं माननीय सदस्य, जैसे आप ही सदन के सदस्य हैं, वो भी जनता के द्वारा चुना हुआ आया है एंड ही हैज ऑल राइट टू स्पीक। आप उनको पूरा तो बोलने दीजिए, हर बात में टोकने से क्या मतलब है? और जो चीज गलत बोलेंगे, सुनिए मेरी बात माननीय सदस्य बैठिए आप, अगर कोई बात गलत होगी व्यवस्था दे चुका हूं, इनका पूरा वर्बेटम देखेगा शासन और उस पर व्यवस्था दे देगा, वही आएगा फाइनली रूप जो उचित होगा। बैठिए आप, बैठिए बैठिए बैठिए, आप पूरा करिए, आप बैठिए प्लीज बैठिए, हर बात में बोलना जरूरी है क्या? बोलिए आप माननीय, नोटिस दे दें सारी व्यवस्था, बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, दे देंगे इनकी, आपकी पीड़ा और आपका दर्द मैं जानता हूं। हम वैसे ही रोंदेंगे जिस पर आप पिछली बार रोंदे गए थे आप।
बैठिए, आप कंप्लीट करिए अपना। अरे आप तो बुलडोजर लेके निकलते रहो, कंप्लीट करिए प्लीज, कंप्लीट करिए आप। अभी तो शुरू किया है, कंप्लीट क्या करें, 15 मिनट तो इन्होंने खराब कर दिए। कंप्लीट करिए प्लीज, आप मेरा टाइम सही रखिए सभापति महोदय। बैठिए बैठिए, देखिए दिस इज नॉट फेयर। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको कि देखिए ऐसे नहीं करें आपस में। 4.5 साल हो गए, वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, आप उत्तर दो तो बता देना, अनुसूचित जाति जनजाति या और लोग ने सिरोही में, जैसे सरगरा समाज है, राजपूत समाज है, पुरोहित समाज है, सगरवंशी समाज है, सबने छात्रावास धर्मशाला के लिए भूमि आपसे मांगी हुई है। 4 साल से आप लेके बैठे हुए हो, क्यों आप आवंटित नहीं कर रहे हैं? मेहरबानी करो, उनको आवंटित करो। अडानी को दे रहे हो 75,000 बीघा, वो तो बापड़े एक एक बीघा भूमि मांग रहे, दो दो बीघा मांग रहे, उनको देने में क्या दिक्कत है आपको? और माननीय सभापति महोदय, ये आपने अभियान चलाया प्रशासन शहरों के संग, आपने कई रिटायर्ड IAS को लगा दिया ऑब्लाइज करने के लिए, दूसरे भी आपने अधिकारी भेजे, कभी आपने पूछा कि भैया जाके आए हो तुम वहां पर, क्या काम करके आए? शिवगंज के अंदर एक खुशबू कॉलोनी है माननीय सभापति महोदय, लोग बसे हुए हैं, उसमें पूरा ब्रीफ कर दिया, वहां से जैसा बताया उस समय वैसा लिख करके आपके यहाँ भेज दिया, लेकिन आज तक उस मामले का कोई निस्तारण नहीं हुआ कि खुशबू कॉलोनी के पट्टे कैसे दिए जाएंगे। तो फिर ये प्रशासन शहरों के संग अभियान का लोगों का लाभ कैसे मिलेगा? सिरोही के अंदर 2017 में मुख्यमंत्री शिवगंज खुशबू कॉलोनी, 2017 के अंदर सिरोही में मुख्यमंत्री जन आवास के आपने सैंक्शन किए, शिवगंज में सैंक्शन किए, 2020 तक पूरे होने चाहिए थे, आज 2023 आ गया और उसके बाद भी लोगों को उनके फ्लैट नहीं मिले। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, मेहरबानी करके इस पर आप ध्यान दें। दो बातों के लिए मैं अशोक गहलोत और धारीवाल जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की, एक ऐतिहासिक कदम है। कोरोना के उस काल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए, हमने मैंने खुद ने प्रधानमंत्री को 7 चिट्ठियां लिखी, ओम बिरला खुद मेरे साथ यहाँ विधायक रहे पहले, उनसे मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया कि शहरी क्षेत्र के अंदर कमजोर वर्ग के लोगों की हालत खराब है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आपने स्टेट फंड से इस योजना को शुरू किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपको विनती करूंगा कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया इसमें 4,66,000 लोगों ने, 4,66,000 जॉब कार्ड आपके इश्यू हुए और आज काम पे कितने लगे हुए, 1,26,000 इस पखवाड़े के अंदर। और सुनिए बात में, इसलिए और पैसे भी कई कामों पर 100 रुपए से भी कम आए, तो इन 3 बिंदुओं की आप मॉनिटरिंग करिए। जो अशोक गहलोत की भावना है कि गरीब लोगों को रोजगार मिले, उनको पूरा पैसा मिले, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप इसमें सुधार करेंगे। एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आप लेकर के आए, कितने आवेदन आए आपके पास, 3,25,000, और लाभ कितने को मिला, 45,530, जो आपने अपने प्रगति विवरण में आंकड़ा आपने दिया है। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद भेजती नहीं है, नगर परिषद बैंकों को भेजती है, बैंकें उसमें कोई रुचि नहीं लेती। तो हाईएस्ट लेवल पर आपको यहां बैठक करके ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने लोगों ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपए के लिए आवेदन किया है, उसका उनको लाभ मिले। अब माननीय सभापति महोदय, 103 अरब का बजट आज ये सदन मंजूर कर रहा है, इनका मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है मॉनिटरिंग का? एक अधिशासी अधिकारी थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के भरोसे पूरी नगर पालिका और पूरे जिले में मॉनिटरिंग करने वाला कौन है, कौन देखने वाला है? एक DDR आपने जोधपुर बिठा रखा है, जयपुर बिठा रखा है, उदयपुर बिठा रखा है, बीकानेर, क्या वो 30-30, 40-40 नगर पालिकाओं की मॉनिटरिंग कर सकते हैं? तो मैं आपको विनती करूंगा, जैसे पंचायत समिति में जिला स्तर पर एक पद होता है, वैसे ही हर जिले के अंदर स्वायत्त शासन में भी एक जिला स्तर का पद आप क्रिएट करिए, कमिश्नर से प्रमोटी को या RS को आप बिठाइए उसमें, जिससे जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हो सके
और जो मनमानी चलती है उस मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। क्या हालत है आपके पदों की? स्वास्थ्य अधिकारी के 41 में से 39 पद आपके खाली पड़े हुए हैं, 39 पद 41 में से। एडिशनल चीफ इंजीनियर सिविल के 6 में से 5 पद आपके खाली पड़े हुए हैं। ईओ फोर्थ ग्रेड के 132 में से 116 पद खाली पड़े हुए हैं। राजस्व अधिकारी सेकंड के 87 में 69 पद खाली पड़े हुए। कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? इसलिए मेहरबानी करके इस पर ध्यान दीजिए। पिछली बार आपने माउंट आबू के बारे में मंत्री जी इसी सदन में आपने अश्योर किया था कि एसडीएम वहां के एसडीएम को असाधारण रूप से ताकतवर बना दिया। उसके बाद में मॉनिटरिंग कमेटी माउंट आबू की आपने गठित की, उसमें चेयरमैन बना, एक मीटिंग हुई, उसके बाद फिर मीटिंग की सूचना भेजी। पिछले 3 महीने से माननीय सभापति महोदय माउंट आबू की मॉनिटरिंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हो रही। 100-100 साल पुराने भवन जो जर्जर हो चुके हैं, उन जर्जर भवनों की भी अनुमति नहीं दी जा रही। आपने जितने फैसले लोगों के लिए करने थे, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, बिल्डिंग बायलाज हो, नोटिफिकेशन हो, रूल्स हो, सारे आपने कर दिए, लेकिन थैंक यू अधिकारियों की हठधर्मिता से माननीय सभापति महोदय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये जो टोकन सिस्टम है, आप मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन जिसको भी आपने बनाया है, जो कमेटी बनाई है, उसके अप्रूवल से आप वहां पर सिस्टम करिए। मैंने पहले भी आपसे कहा एक सीनियर लेवल के ऑफिसर को भेजिए जिससे माउंट आबू की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। 2 मिनट में फॉरेस्ट पर कहूंगा माननीय सभापति। 1 मिनट में करिए आप समाप्त। 2 मिनट, 1 मिनट। अब मंत्री जी आसन का आदेश, लंबी बात तो नहीं कहूंगा। ये जो धरती है, ये क्या सिर्फ हमारी है? उन वन्य जीवों का कोई अधिकार नहीं है इस पे? जोधपुर में क्या हालत है? आपने खेतों के ऊपर ये तारबंदी करवा दी, हिरन कुत्ते से बचता हुआ भागता हुआ आता है और उस तार से टकरा के कुत्ते की चपेट में आता है, कुत्ता नोच लेता है उसको। या जो भुटके करते हैं, उस भुटके से घबरा के वो मर जाता है। तो मेहरबानी करके जहां जहां पर वन्य जीव है, उन खेतों के अंदर इस तरीके की तारबंदी आप मत करवाइए जिससे वन्य जीवों का जीना दुभर हो जाए। अब मैं निवेदन करूंगा आपको, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, वन रक्षक जंगल में घूमता है, क्या देते हो आप उसको? कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस देते हो क्या? उसका पे स्केल 2,000 रुपए। पहले 1970 के अंदर कांस्टेबल का और वन रक्षक का पे स्केल एक बराबर था, लेकिन एक के बाद एक वेतनमान आते हुए वो बेचारा बहुत पीछे छूट गया। आज आप उसको 50 रुपए का भत्ता दे रहे हो, 50 रुपए का साइकिल का भत्ता, और क्या संसाधन है उसके पास? कैसे आपके जो अभी मेयर बानवाड़ा के अंदर माननीय सभापति महोदय जो शिकारी थे, पकड़े पुलिस ने, गांव वालों ने पकड़े, पुलिस आई पीछे, 14 बंदूकें उनके पास निकली, 14 बंदूकें जो जब्त की गई है। तो मेहरबानी करके भले ही आप 1 साल वृक्षारोपण मत करो, पर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तंत्र मजबूत करो, श्री प्रताप सिंह के संसाधन मजबूत करो। और माननीय सभापति महोदय, सिरोही में वाड़ा खेड़ा को आपने कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है, वो घास, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि उसके लिए जो डीएफओ ने प्रस्ताव भेजा है, आप 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करें जिससे उसको घास बीड के रूप में विकसित कर सके। और कुंभलगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, सभापति महोदय आप घोषणा करवाएं। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।